नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण सिंह राठौड़ और आप देख रहे हैं जयवर्धन न्यूज। बात करते हैं राजसमंद जिले की प्रमुख खबरों की। राजसमंद शहर के सेंवाली में 75 वर्षीय वृद्ध का गला घोंटकर हत्या उसी के परिचित टैक्सी चालक ने लूट के लिए की थी। लूट के बाद वृद्ध ने उनको पहचान लिया था। इस पर पकड़े जाने के डर से वृद्ध की हत्या कर तीनों आरोपी फरार हो गए। एएसपी राजेश गुप्ता ने बताया कि 18 अगस्त को सेंवाली निवासी वृद्ध उमेद सिंह पुत्र धीर सिंह रावत की हत्या कर आरोपी फरार हो गए थे। इस पर डीएसपी गोपाल सिंह भाटी, राजनगर सीआई प्रवीण टांक, कुंवरिया थाना प्रभारी पेशावर खान ने जाँच शुरू की। पुलिस जांच में पता चला कि टैक्सी चालक श्रीनाथ कॉलोनी नाथद्वारा निवासी विक्रम सिंह चुंडावत अक्सर उनके घर आया जाया करता था, जिस पर शंका होने पर पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की तो आरोपी ने कालू पुत्र मोहनलाल श्रीमाली व मोहित पुत्र जगदीश चंद्र श्रीमाली के साथ मिलकर वारदात को अंजाम देना कबूल किया। इस पर पुलिस ने तीनों आरोपियों को बापरदाह गिरफ्तार कर लिया। उल्लेखनीय है कि आरोपी बाइक से अन्नपूर्णा माता मंदिर वाले रास्ते से चढ़े और पिछवाड़े से उमेश सिंह के घर में घुस आए, फिर उमेश सिंह के हाथ पैर बांधकर मकान में जेवर व नकदी लूट ली, तभी वृद्ध ने उनको पहचान लिया। इस पर आरोपियों ने लूट के बाद वृद्ध का गला घोंट कर हत्या कर दी। थाने की टीमों के साथ साथ जो हमारी डिस्ट्रिक्ट स्पेशल टीम है उनके इंचार्ज पेशावर खान की परिवार। राजसमंद जिले में सोमवार को दिन भर में 19 नए पॉजिटिव मिले, जबकि 43 लोग कोरोना को हराकर स्वस्थ हो गए। रेलमुरा में 9, नाथद्वारा में 4, राजसमंद में 3, देवगढ़ में 2, कुंबलगढ़ में 1 पॉजिटिव आया। सीएमएचओ डॉक्टर जेपी मुनकर ने बताया कि सोमवार को नाथद्वारा शहर में 14, राजसमंद शहर में 32 और भीम का 1 व्यक्ति स्वस्थ हो गया, जिन्हें अस्पताल व कोविड केयर सेंटर से छुट्टी दे दी गई। अब तक कुल पॉजिटिव 1086 हैं, जिसमें से 866 लोग स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं, जबकि अब 199 लोग सक्रिय पॉजिटिव हैं। इसके अलावा राजसमंद जिले में 2500 सैंपल की जांच रिपोर्ट आरएनटी मेडिकल कॉलेज उदयपुर में अटकी पड़ी है। राजसमंद शहर के साथ ही जिले भर में रिमझिम से झमाझम बारिश हुई। सर्वाधिक बारिश 93 mm नाथद्वारा क्षेत्र में दर्ज की गई, जबकि कुंबलगढ़ में 32 mm, आमेट में 74 mm बारिश दर्ज की गई। इसके अलावा अन्य जगह भी रिमझिम से तेज़ बारिश का दौर जारी रहा। इसके चलते कुंबलगढ़ के साथ ही देलवाड़ा क्षेत्र में पहाड़ों से झरने चलने लग गए। रात भर रिमझिम से तेज़ बारिश हुई, जिससे क्षेत्र के छोटे बड़े नाले उफान पर आ गए। देलवाड़ा के पास खोकरिया बावजी का एनिकट छलक गया, साथ ही नहर में पानी आने से देलवाड़ा तालाब में भी पानी की आवाज शुरू हो गई है। अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग महासभा राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी मुकेश कुमार यादव के निर्देशानुसार प्रदेश कार्यकारिणी में राजसमंद के कुंडिया निवासी कालूराम कीर पुत्र नंदराम को प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य मनोनीत किया है। भीम उपखंड क्षेत्र में सेना भर्ती रैली के मद्देनज़र समेलिया में 1600 मीटर दौड़ प्रतियोगिता समाजसेवी कुशाल सिंह उप सरपंच रामेश्वर सिंह की अध्यक्षता में आयोजित की गई। कार्यक्रम में पिंटू सिंह समेलिया, राजेश सिंह चौहान, ईश्वर सिंह चौहान, प्रवीण सिंह चौहान, कुलदीप सिंह, प्रदीप सिंह, जय सिंह, सुनील सिंह, दिलीप सिंह बतौर अतिथि थे। दौड़ प्रतियोगिता में प्रथम हिम्मत सिंह कालादेह, द्वितीय ईश्वर सिंह कांकेड़िया, तृतीय मदन सिंह, चतुर्थ बलवीर सिंह, पंचम ब्रह्मलाल, छठे स्थान पर राजेंद्र सिंह, सातवें स्थान पर प्रवीण सिंह, आठवें स्थान पर शैतान सिंह, नौवें स्थान पर पुष्पेंद्र सिंह, दसवें स्थान पर चेतन सिंह व 11वें स्थान पर राजेंद्र सिंह ने बाजी मारी। विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। आयोजक गणपत सिंह सिसोदिया ने बताया कि दौड़ प्रतियोगिता का उद्देश्य आगामी सेना भर्ती रैली से पूर्व युवाओं में जोश व जज्बे को कायम रखना है। कुंबलगढ़ उपखंड क्षेत्र के मजेरा में सरपंच सहित 5 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद सोमवार को भी कर्फ्यू रहा और पूरे बाजार के साथ ही गांव में सन्नाटा पसरा रहा। इधर चिकित्सा विभाग द्वारा गांव में स्क्रीनिंग के साथ ही विशेष चिकित्सा शिविर आयोजित कर संदिग्ध 51 लोगों की कोरोना जाँच के लिए सैंपल लिए गए। गाँव में दिन भर में सन्नाटा पसरा रहा और कानून एवं शांति व्यवस्था को लेकर केलवाड़ा थाना पुलिस की गश्त रही।
दो दिन रिमझिम से झमाझम बारिश होने के बाद ऐतिहासिक राजसमंद झील, अन्नपूर्णा माता मंदिर, तुलसी साधना शिखर क्षेत्र का वातावरण मनमोहक हो गया। सुबह इन्हीं पहाड़ियों पर बादल अटकेलियां करते दिखाई दिए। उसके बाद सुबह 10:30 बजे बाघेरी बांध भी छलक गया, जिससे नाथद्वारा क्षेत्र के साथ जिले भर के लोगों में खुशी का संचार हो गया। दोपहर बाद बारिश का दौर थम गया, लेकिन बाघेरी बांध में पानी की आवक जारी रहने से देर रात तक ओवरफ्लो रहा। करीब आधे फीट तक की चादर भी चलती रही। हालांकि पहले दिन बाघेरी बांध पर घूमने के लिए कोई नहीं आया। इस दौरान बाघेरी बांध में बड़ी तादाद में भीड़ के पहुंचने और बाद में पुलिस द्वारा खदेड़ने का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ, जो बाद में फेक निकला। इस पर जयवर्धन न्यूज़ द्वारा भी पड़ताल की गई तो पता चला कि वह वीडियो बाघेरी बांध का नहीं बल्कि भीलवाड़ा जिले के बांध का था, जो बहुत पुराना है। इसी तरह राजसमंद जिले की ताज़ा खबरों से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल जयवर्धन न्यूज़।